हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल सो वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी सिक्स ऑफ मे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन छब्बीस मई दो हज़ार इक्कीस का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज द जी आई टैक्ड प्रोडक्ट सच एज जरदालू मैंगो कतरानी राइस एंड मगही पान बिलोंग्स टू बिच द फॉलोइंग स्टेट्स इनमें से कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं ऑप्शन आपके सामने हैं प्लीज डू टेल मी द करेक्ट आंसर ऑफ दैट दूसरा सवाल है मालधारी समटाइम्स सीन इन न्यूज रिसेंटली पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी बिलोंगिंग टू विच द फॉलोइंग स्टेट्स इनमें से कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं मालधारी कम्युनिटी के लोग नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं आप लोग मणिपुर के फुमडीज में या गुजरात के बन्नी ग्रास लैंड्स में या हिमालयन हिमालय हिल्स चु, 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 चुआर्स में या शोला ग्रास लैंड्स और वेस्टर्न घाट्स रीजन में तो कहाँ से बिलोंग करते हैं मालधारी तीसरा सवाल है बोआ धान राइस इट्स एन आयरन रिच वरायटी बोआ धान राइस जो कि एक आयरन रिच वेरायटी है वो ट्रेडिशनली कहाँ पर कल्टिवेट की जाती है किस स्टेट में ऑप्शन अगेन आपके सामने है तो आप ये तीनों सवालों के जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मुझे आ, मैं आंसर आपको लास्ट में बता भी दूंगा और उसको टैग भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में सो दैट विल बी डन बाय मी फ्रॉम फ्रॉम माय साइड ठीक है ना स्टार्ट करते हैं आज का मेंस क्वेश्चन आज के मेंस क्वेश्चन का मेंस क्वेश्चन है आज का इंडिया हैज फेल्ड टू यूटिलाइज द फुल पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंट इंडिया जो है वो फेल कर गया है इनऑर्डर टू फुल यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंट यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट क्रिटिकलीलाइज द स्टेटमेंट दैट इंडिया हैज फेल्ड टू फुल्ली यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंट ठीक है ना तो इसमें आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं कि पहले तो डेमोग्राफिक डिविडेंट क्या है और क्यों इंडिया फेल कर गया है कहाँ इंडिया से कमी हो गई रह गई है और कहाँ कहाँ हमने यूटिलाइज़ किया है दोनों चीज़ आपको बतानी पड़ेगी और क्या चीज़ अगर आप इंप्रूव कर लें तो फ्यूचर में इसका यूटिलाइजेशन और प्रॉपर हो पाएगा तो ये सारी चीज़ें आप इस आंसर में लिख सकते हैं तो प्लीज़ डू टेल मी अंडर दीज हेड्स दिस आंसर आप अगर चाहें तो इसको कमेंट सेक्शन में नीचे पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं ठीक है ना सो दैट इज़ द थिंग विच यू कैन डू आगे मूव करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं जिसमें अलग अलग न्यूजपेपर्स अलग अलग जो मैगजीन्स हैं अलग अलग जो वेबसाइट्स से वहाँ की न्यूज़ आइटम्स हम लेते हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं पहली जो न्यूज़ है वो एक इंडेंजर्ड अफ्रीकन प्लांट के ऊपर है इंडेंजर्ड अफ्रीकन प्लांट है जिसका नाम है एफ्रीकन वॉयलेट नाउ दिस प्लांट इज नोन एज एफ्रीकन वॉयलेट ये एक इंडेंजर्ड एफ्रीकन प्लांट है जिसको आई आई एस ई आर यानी कि आइजर जो कि भोपाल में है आइजर का फुल फॉर्म क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च याद रखेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ये भोपाल में है और इसने इसको डिस्कवर किया है इन द पार्ट ऑफ मिजोरम इंडिया में यह मिजोरम में डिस्कवर हुआ है ठीक है ना तो याद रखेगा इन मिजोरम एंड एड जॉइनिंग एरियाज इन द म्यांमार रीजन तो म्यांमार रीजन में और मिजोरम वाले रीजन में इसको डिस्कवर किया गया है और अफ्रीकन वॉयलेट इसे बोलते हैं वॉयलेट कलर की इसकी जो पेटल्स होती हैं वो वायलट कलर की होती हैं अफ्रीकन वॉयलेट इसे कहते हैं ठीक है ना एंड इट वॉज डिस्कवरी वॉज डन अंडर द ट्रॉपिकल इकोलॉजी एंड ईवोल्यूशन लैब तो इसकी एक आइजर की ही एक लैब है ट्रॉपिकल इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन लैब वहाँ पर इसको बेसिकली फाउंड आउट किया गया एंड दिस स्पीशीज हैज़ फाउंड दिस स्पीशीज इज फाउंड इन ओनली थ्री लोकेशन करेंटली इन मिजोरम मिजोरम की भी तीन लोकेशन में ही ये पाया जाता है एंड दे आर द फ्लावरिंग प्लांट्स अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लावरिंग होते हैं कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं तो अफ्रीकन वाइल जो होते हैं दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक थी, है ना याद रखेगा एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न अफ्रीका की ये नेटिव है ट्रॉपिकल ईस्टर्न अफ्रीका की ये नेटिव है ये भी आप याद रख सकते हैं और इसका जो जीनस है वो है सेंट पोलिया ठीक है ना जीनस है सेंट पॉलिया तो दिस इज द थिंग विच यू कैन राइट इट डाउन अगेन इन नोट नोट्स नोट्स तो ये सेंट पॉलिया ठीक है ये आप याद रखेगा ये इसका जीनस है ठीक है दिस इज द जीनस सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर दिस थिंग एंड इट इज अ अंडेंजर्ड वेरायटी तो ये भी आप याद रखेगा नाउ सेकंड जो न्यूज है वो है अ कमिटी वॉज सेटअप बाय द एनजी टी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टू सबमिट रिपोर्ट ऑन एलेस्ड वायुलेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वर अक्रॉस कावेरी रिवर एट मेके धातु कर्नाटका अब यहाँ पे देखो एक मेकेदातु जो डिस्प्यूट है वो काफी बड़ा डिस्प्यूट है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु ठीक है ना मेकेदातु डिस्प्यूट जो है काफी फेमस डिस्प्यूट है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु हुआ क्या कि मेकेदातु जो प्रोजेक्ट है इट्स एक्चुअली डैम प्रोजेक्ट ये एक डैम प्रोजेक्ट है जो कि किस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है इट इज अ प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय द कर्नाटका कर्नाटका ने इसको स्टार्ट करने के लिए 2017 में कह दिया था स्टार्ट करने के लिए ठीक है ना एंड ये जो बेसिकली है मेकेदातु का मतलब होता है गोट्स लीप इसका मीनिंग क्या होता है मेकेदातु का मतलब होता है गोट्स गोट्स लीप ठीक है ना गोट्स लीप इसका मतलब होता है और ये एक मेकेदातु वैसे क्या है इट्स अ डीप गॉर्ज एक डीप गॉर्ज है जो कि कॉन्फ्लुएंस दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे है याद रखिएगा मैं आपको सारी चीजें बेसिक बता रहा हूँ जबकि एग्जाम में पूछे जाती है मेकेदातु जो है वो एक डीप गॉर्ज एक्चुअली में जो दो रिवर्स के टू रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस में आता है ये कौन कौन सी रिवर्स हैं दो एक है कावेरी फर्स्ट वन इज कावेरी सेकेंड वन इज़ अर्कावती उसकी एक ट्रिब्यूटरी है अर्कावती है ना अर्कावती तो अर्कावती और कावेरी के ये बेसिकली कहना चाहिए उसमें आता है कॉन्फ्लुएंस में आता है नाव ये जो प्रोजेक्ट है मेकेदातु का ये प्रपोज किया गया था प्रूव किया गया था सॉरी कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा दो हज़ार सत्रह में ठीक है ना 2017 में इसको अप्रूवल दिया गया था लेकिन तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में जा करके कर्नाटका के इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट गुहार लगाई है ठीक है ना तो तमिलनाडु कहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से ही स्टार्ट हो सकता है इट कैन नॉट स्टार्ट विदाउट द परमिशन ऑफ विदाउट द परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कर्नाटक बींग द अपर रायपीर स्टेट यहाँ से पानी की बेसिकली लड़ाई तो पानी का है कावेरी डिस्प्यूट है एक तरीके से उसी के कारण ये है एंड तमिलनाडु का ये कहना है कि आ, ये जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है ये अपर रायपीर स्टेट तब तक नहीं स्टार्ट कर सकता जब तक तो सुप्रीम कोर्ट ना कह दे और हैज नो राइट टू कंस्ट्रक्ट एनी ऑन इंटर स्टेट रिवर विदाउट विदाउट द द कंसेंट ऑफ द लोअर स्टेट्स तो तमिलनाडु का ये भी कहना है कि कोई इंटर स्टेट रिवर है अब जैसे कावेरी है कावेरी सिर्फ कर्नाटका में तो नहीं बहती है वो इंटर स्टेट रिवर है तो इंटर स्टेट रिवर का कोई भी प्रोजेक्ट तब तक नहीं स्टार्ट हो सकता जब तक कि लोअर रायपेर स्टेट यानी कि जैसे लोअर रायपेर में तमिलनाडु स्टेट है तो तमिलनाडु की परमिशन के बिना

इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स ठीक है ना आ, तो ये अब इन्होंने अनाउंस किया है आ, किसने अनाउंस किया है नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अनाउंस किया है तो अब इसका बेसिकली यूज़ क्या क्या रहेगा इसका बेसिकली यूज़ ये रहेगा कि जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे एक तो कार्बन फुटप्रिंट कम करना इसका एम है पहला एम है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है और दूसरी चीज़ है कि आप जितना भी मतलब वहाँ पे वेस्ट करते हैं इन्वामेंट को इम्पैक्ट होता था इन्वायमेंटल इम्पैक्ट को कम करना है ठीक है ना अब इस मिशन के अंदर किया क्या क्या जाएगा देखो ये एक तो पहले आप याद रखिएगा कि इसका जो टाइम पीरियड मिनिमम रहेगा वो पाँच सालों का रहेगा फाइव ईयर्स का रहेगा इसमें बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी जैसे कि पहली चीज है कि स्टबल बर्निंग जो होती है स्टबल बर्निंग को अवॉइड करने के लिए जो वहाँ से रेसिड्यू और ये मिलेगा इसका यूज किया जाएगा इन द पा इन द पावर प्लांट्स को फायरिंग में उसका यूज किया जाएगा तो को फायरिंग के समय जो स्टबल बर्निंग की जाती है ना उसका यूज किया जाएगा इन द थर्मल पावर प्लांट दूसरा ये बॉयलर की जो डिजाइंस है बॉयलर की डिजाइंस को चेंज करने के लिए स्टडी आर एंड डी किया जाएगा ताकि बॉयलर की डिजाइंस को चेंज करके अगर थोड़ा बहुत एमिशन को रोका जा सके या कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी ठीक है ना इसके अलावा ये जो सप्लाई चेन है बायोमास पैलेट्स का और एग्रीकल्चर रेसिड्यू को उसको भी ओवरकम किया जाएगा कि अगर सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि एग्रो एग्रो रेसिडी हो ये सब नहीं मिल पा रहा है तो उसको ओवरकम किया जाएगा थ्रू दिस प्रोजेक्ट तो कुल मिलाकर के जो स्टबल बर्निंग की समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है और थर्मल पावर प्लांट्स का जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है थ्रू दिस नेशनल मिशन ऑन बायोमास आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम ठीक है ना इसको याद रखेगा अगली जो न्यूज़ है वो है इंडिया ने अभी एक कंसाइनमेंट भेजा है जीआई सर्टिफाइड शाही लीची का फ्रॉम बिहार टू यूके तो ये एक याद रखेगा कि एक कंसाइनमेंट क्या है जीआई सर्टिफाइड यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेटर सर्टिफाइड शाही लीची तो याद रखेगा जीआई टैग मिला है शाही लीची को फॉर बिहार स्टेट ठीक है ना शाही लीची तो याद रखेगा बिहार स्टेट में जी टैग मिला है एंड दिस हैज़ बीन अभी कहाँ पे ट्रांसफर किया गया है टू बिहार इटा फ्रॉम बिहार टू यूनाइटेड किंगडम ठीक है ना और मुजफ्फरनगर वाला जो रीजन है वहाँ आप, आ, कहना चाहिए उसको मिलता है और बिहार में बिहार में सॉरी जी आई टैग इसको दिया जाता है ठीक है ना शाही लीची को एंड जी आई टेक आपको पता है कि एग्रीकल्चरल नेचुरल या किसी भी मैनुफेक्चर्ड प्रोडक्ट्स को भी मिल सकता है एग्रीकल्चरल को तो मिलता ही है नेचुरल को मिलता है प्लस मैन्युफैक्चर्ड को भी दिया जा सकता है तो ये अगर आपसे कभी यूपीएससी कल कल्चर पूछे कि केवल मैन्युफैक्चर केवल एग्रीकल्चरल

आगे और क्या न्यूज आइटम्स है फ्रंट पेज की देख लेते हैं ओवर थर्टीन लैख इवैक्यूएटेड एस यास रेसेस टुवर्ड्स द ओड़िशा कोस्ट लाइन तो यास साइक्लोन आप सबको पता है यास की जो नेमिंग है वो कौन से कंट्री ने की है तो यास की नेमिंग ओमान ने की है इसके पहले जो आया था ताउते साइक्लोन की नेमिंग जो थी वो म्यांमार ने की थी म्यांमार डन द नेमिंग फॉर ताउते एंड यास की जो नेमिंग है किसने की है वो ओमान ने की है ठीक है ना अब इसको याद रखेगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कंडीशन uh, ज़रूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है पहली जो फेवरेबल कंडीशन है वो ये है कि लार्जर सी सरफेस एक तो सी सरफेस बड़ा होना चाहिए और टेम्परेचर कम से कम सत्ताईस डिग्री का होना चाहिए लार्जर सी सरफेस एंड टेम्परेचर मिनिमम ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड दूसरा जो कंडीशन uh, है वो है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस होता है आपको पता है कि अर्थ के रोटेशन से आता है अर्थ का रोटेशन जब होता है उससे फोर्स मतलब की चीजें जो हैं वो डाइवर्ट होने लगती हैं अगर कोई नदन नदर्निस्फेर से आ रहा है तो वो राइट right की तरफ होगा कोई सदर्न हेमिसफेयर से आ रहा है तो वो लेफ्ट की तरफ होगा ठीक है ना तो ये आपका uh, आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द कोरियोलिस फोर्स ठीक है ना फिर स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड दिस इज द थर्ड कंडीशन विच इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल

इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वही बताना चाहता हूँ कि कैसे ग्रेड किया जाता है तो अगर विंड स्पीड 30 टू 60 किलोमीटर पर आर है तो वो डिप्रेशन के कैटेगरी में आता है अगर विंड स्पीड 30 टू 60 किलोमीटर पर आर है तो डिप्रेशन के कैटेगरी में आता है अगर 61 वन टू एटी किलोमीटर पर आर है तो साइक्लोनिक स्टॉम की कैटेगरी में आएगा अगर एटी नाइन टू हंड्रेड एंड सेवनटीन किलोमीटर पर आर है तो सुपर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम की कैटेगरी में आएगा सॉरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम की कैटेगरी में आएगा अगर हंड्रेड एंड एटीन से हंड्रेड एंड

I hope you got clarity regarding that as well. एक और न्यूज फ्रंट पेज की सुबोध कुमार जायसवाल इज द न्यू सीबीआई डायरेक्टर तो नए सीबीआई डायरेक्टर बनाए गए हैं सुबोध कुमार जैसवाल सुबोध कुमार जयसवाल इज द न्यू सीबीआई डायरेक्टर आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल अब सीबीआई के बारे में पूरी चीज बताऊंगा आपको लेकिन आगे के पेज में जब दूसरी एक और जगह न्यूज है तो वहां पर मैं आपको वो चीजें बता दूंगा ठीक है ना एंड न्यू आई रूल्स आर कमिंग डू फोर्स फ्रॉम टूडे एंड एफ ने कहा है कि फेसबुक ने कहा है कि वो इसके साथ कंप्लायस करने की कोशिश करेंगे तो जो स्ट्रिंजेंट कहना चाहिए स्ट्रिजेंट रूल्स हैं स्ट्रिक्टर रूल्स हैं सोशल मीडिया के जिसमें गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखा जाता है उसका मिस किया जाता है तो तुरंत उसको हटाने का प्रोविज़न और सारी चीज़ें हैं तो और स्ट्रिक्ट इस्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का भी लॉ है इसमें तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली हैं <coughs> आज से ये लागू हो जाएंगी एंड अब फेसबुक ने कहा है कि वो इसका पालन करने की कोशिश करेंगे सो लेट्स सी कि क्या होता है बट डीज आर द न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स एंड फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू आई होप यू गॉट क्लैरिटी अब आज का मैप मैं आपको दिखाता हूँ अगेन एक रिपिटेटिव मैप है लेकिन इंपॉर्टेंट मैप है क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि बन जाएगा इसराइल वाले पार्ट से तो लेट मी शो यू अगेन दैट तो ये मैं आपको इसराइल वाले रीजन का मैप दिखा रहा हूँ आफ्टर द 1967 वॉर जिसको हम बोलते हैं सिक्स डे वॉर तो यहाँ पे एक तो इसराइल वाले पार्ट के सराउंडिंग uh, कंट्रीज हम देख लेंगे देन मैं आपको दो तीन चीज़ें और दिखा दूंगा जैसे मेडिटेरेनियन से कौन सी कंट्रीज लग रही इनमें से कौन सी कंट्री नहीं लग रही जैसे ये वाला जो रीजन है ये आपका मेडिटेरेनियन का रीजन है तो यहाँ पर आपको इजिप्ट दिख रहा है इजिप्ट टच कर रहा है इसराइल आपको दिख रहा है इसराइल टच कर रहा है देन आपको ऊपर वो दिख रहा है कि आपका ये लेबनान वाला पार्ट टच कर रहा है ठीक है ना लेकिन जॉर्डन टच नहीं करता है मैं कई बार बता चुका हूँ कि जॉर्डन टच नहीं करता है एंड यूपीएससी जब भी क्वेश्चन देगा आपको तो उसमें एक चीज़ जरूर देगा वो जॉर्डन जॉर्डन आप जरूर याद रखेंगे कि जॉर्डन टच नहीं करेगा लेकिन आपको लगेगा कि जॉर्डन टच करता है वो टच नहीं करता है तो जॉर्डन अगर आपने याद कर लिया तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा मेडिटेरेनियन वाला क्वेश्चन ठीक है ना इजिप्ट टच करता है इसराइल वाला पार्ट टच करता है लेबनॉन टच करता है बिल्कुल सही बात है ठीक है ना अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसराइल वाले पार्ट की तो ये जो रीजन है ये इसराइल का ओरिजिनल रीजन है जो मतलब उसको दिया गया था लेकिन फिर धीरे धीरे जब वॉर हुए 1967 में इसराइल ने तीन पार्ट और कवर कर लिए थे यहाँ पे ये आपका जो सिनाई वाला पार्ट है सिनाई पेनसुला वाला पार्ट है देन गाजा स्ट्रिप वाला जो पार्ट है वेस्ट बैंक वाला पार्ट जो है और यहाँ पे गोलन हाइट्स वाला पार्ट है गोलन हाइट्स उन्होंने सीरिया से लिया था सिनाई पेनसुला इजिप्ट वाले पार्ट से लिया था और आपका वेस्ट बैंक इधर जॉर्डन वाले पार्ट से ले लिया था उन्होंने एंड दैट इज दैट दैट इज द थिंग विच यू नीड टू नो फिर इसके बाद का थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ अभी का जो करंट स्टेटस है कि ये जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है एक आपका इधर साइड वेस्टर्न पार्ट है और दूसरा यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट है ठीक है ना तो वेस्टर्न पार्ट का कहना चाहिए सिक्सटी ये वेस्ट बैंक का सिक्सटी जो रीजन है वो इसराइल ले लिया है और जो बाकी का फोर्टी बचा है वो अभी पेलेस्टीन अथॉरिटी के अंतर्गत आता है ठीक है ना तो वेस्ट बैंक में सिक्सटी परसेंट इसराइल है और फोर्टी परसेंट पैलेस्टीन अथॉरिटी के अंदर आता है गाजा स्ट्रिप का भी पार्ट गाजा स्ट्रिप का जो पार्ट था वो पहले उन्होंने लिया ले था लेकिन अब वो पैलेस्टीन अथॉरिटी के अंदर आता है पैलेस्टीनियन में भी हमास हमास जो है वहाँ पे उन्होंने पार्टी बना ली है ठीक है ना तो गाजा के अंतर्गत आपको याद रखना है कि यहाँ पे पेस्टिनियन अथॉरिटी ज़रूर है लेकिन यहाँ पे गाजा का रूल ये हमास का रूल है ठीक है ना सिनाए पे इन्होंने ओस्लो आर्ड के बाद जरूर इजिप्ट को दे दिया था क्योंकि इजिप्ट जो थी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिसने कि डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किए थे इजराइल के साथ तो सिनाई इन्होंने ज़रूर इजिप्ट के पास है आज ठीक है ना याद रखेगा एंड इधर ऊपर गोलन हाइट्स जो है गोलन हाइट्स वैसे सीरिया का पार्ट है बट दे हैव टेकन दैट फ्रॉम सीरिया इसराइल ने इसको कैप्चर किया हुआ है ठीक है ना तो दैट इज़ द थिंग विच यू नीड टू नो कौन कौन सी कंट्रीज़ ऊपर देखो यहाँ पे लेबनान आपको दिख रही है जो बॉर्डर कर रही है सीरिया आपके साथ देखो बॉर्डर कर रही है पैलेस्टीन ऑलरेडी आपको पता है कि बॉर्डर कर रही है जॉर्डन बॉर्डर कर रहा है इजिप्ट इधर नीचे बॉर्डर कर रहा है ठीक है ना तो नीचे वॉर्डर बॉडी आ जाती है ऊपर यहाँ मेडिटेरेनियन है ठीक है ना तो दीज आर द थिंग्स विच वीच नीड टू नो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप इसको याद रखेगा और जो मैंने पार्ट बताए कौन कौन से पार्ट उन्होंने कब लिए थे और कब दे दिए उसको जरूर याद रखेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब आते हैं एडिटोरियल पार्ट में यहाँ पे जो एडिटोरियल पहला हम देखेंगे वो है वन स्टेट सोल्यूशन द वे फॉरवर्ड इन पैलेस्टीन अभी जो आर्टिकल लिखा गया ऑथर ने यहाँ पे ऑथर ने ये आर्टिकल में सबसे पहले तो बताया वही इसराइल ने कैसे कैप्चर किया ठीक है ना अब देखो इस आर्टिकल में एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये बिल्कुल वन साइडेड आर्टिकल है इसमें सिर्फ और सिर्फ इसराइल की बुराई की गई है लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसराइल की बुराई इसलिए नहीं कर सकता देखो मेरा क्या रीज़न है मेरा रीज़न ये है कि नाइनटीन फोर्टी और 1967 में इन्होंने जरूर बोला है कि इसराइल ने कैप्चर कर लिया बिल्कुल सही बात है इसराइल ने कैप्चर किया है जो उनको मिला था उससे ओरिजिनली से ज़्यादा कैप्चर किया है बट एक्चुअली में दिक्कत ये भी है कि दोनों वॉर जो इनिशिएट किए गए थे वो इनिशिएट नहीं किया था इसराइल ने दीज वॉर्स

फॉर दैट रीज़न आई डोंट थिंक थिंक कि बहुत ज़्यादा इसमें हमको कुछ मैटर मिल पाएगा सो फॉर दैट रीज़न आई एम से हाँ लेकिन ऑथर ने यह जरूर कहा है कि इसराइल जो है इट इज़ द डोमनेटिंग ऑफ द टू पार्टीज अगर इसराइल और फेलस्टीन की बात करें तो इट इज इसराइल इज द डोमिनेटिंग ऑफ द टू पार्टीज इसीलिए ऑथर ने यह कहा है कि यहाँ पर ज़्यादा जो ओनस लाई करता है इन एक्सेप्टेंस ऑफ अ सल्यूशन दट लाइज ऑन द इज़राइल तो कुल मिलाकर के ऑथर का यह कहना है कि जो ओनर स्लाई करता है कि मतलब कौन सी कंट्री ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पीस के लिए हाँ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पीस के लिए इसराइल जरूर हो सकती है कि अगर वो चाहे तो पीस प्रिवेल कर सकता है क्योंकि वो देखो जब ज्यादा पावरफुल व्यक्ति यहां पे पीस करेगा तो ही पीस स्टैब्लिश हो पाएगा है ना अदरवाइज पीस नहीं हो पाएगा सो फॉर दैट दैट रीजन ऑथर इज सेइंग कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इसराइल नॉट टू एक्सेप्ट द थिंग और नॉट ठीक है ना नाइनटीन फोर्टी एट में जो वॉर हुआ था उसको जो पेलेटीनियंस है उसको नाकबा बोलते हैं ये यहां पे टर्म आप हाँ याद रख लीजिएगा कि 1948 में जो वॉर हुए थे फोर्टी uh, एट में जो वॉर हुआ था उसको जो पैलेस्टीनियंस है वो नाकबा बोलते हैं नाकबा को मतलब होता है कैटेस्ट्रॉफी ठीक है तो नाकबा का मीनिंग क्या होता है यू हैव टू रिमेंबर दैट नाकबा कहा जाता है ठीक है ना इसको याद रखिएगा एंड uh, ये वही है कि अब आप, uh, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी सारी चीज़ें जितनी भी थी इसराइल uh, के बारे में तो मैंने आपको पूरा मैं एक पूरा वीडियो बनाया इसराइल के ऊपर तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो पूरा देख लेना तो आपको इसराइल की पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी है ना अगला आर्टिकल है स्टिल ग्रैपलिंग विद द ऑनलाइन क्लासेस अब ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे बात की गई है जो कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट होने के लिए कह तो दिया गवर्नमेंट ने सीधे निकाल दिया बिना ये ध्यान दिए कि अगर मैं आज से बोल दूं कि क्लास ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट होना है तो क्या वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉसिबल है या क्या वो बिना डिजिटल लिटरेसी के पॉसिबल है या क्या वो बिना एडवांस डिजिटल एजुकेशन के पॉसिबल देखो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराने में फिर आपका जो डिजिटल नॉलेज है वो नॉर्मल कंप्यूटर ऑन ऑफ करने जैसा नहीं होना चाहिए वो थोड़ा और ज्यादा एडवांस लेवल का होना चाहिए तो क्या गवर्नमेंट ने सारी चीजें सोची थी कि आपके पास क्या डिजायर्ड रिसोर्सेज है डिजायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है क्या ये सारी चीजें सोची गई थी तो इसका आंसर है नहीं सोची गई थी ठीक है ना शिफ्ट तो आपने सीधा आंसर आ, 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 निकाल के रख दिया कि हाँ आज के बाद टीचर्स क्या करेंगे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना शुरू कर देंगे ये करना लेकिन यू हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज ना केवल आपको रिसोर्सेज टीचर्स लेवल पे प्रोवाइड करना है बल्कि स्टूडेंट लेवल पे भी प्रोवाइड करना है अगर मैं फिफ्टी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन तो उसमें लिखा गया है कि आप ओपन ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करिए डिजिटल क्लासरूम्स बनाइए लेकिन ये भी लिखा गया कि 25 लाख स्टूडेंट्स को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको टैबलेट्स और लैपटॉप्स प्रोवाइड करिए तो 25 लाख टैबलेट्स और लैपटॉप भी आपने नहीं प्रोवाइड किए एंड नाउ यू हैव शिफ्टेड द द डिजिटल एजुकेशन तो एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट ये एक मतलब कह रहे डिवाइड क्रिएट करेगा इन दोज हु आर हैविंग दीज टेक्नोलॉजीज एंड टूवर्ड्स दोज हु आर नॉट हैविंग दीज टेक्नोलॉजीज तो जिनके पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है और जिनके पास है उनके बीच में एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाएगा एंड फॉर दैट रीजन दे विल नॉट बी टू टेक द फुल एडवांटेज ऑफ दीज ऑनलाइन क्लासेस है ना आगे ऑथर ने कुछ और चीज़ें बताई हैं जैसे हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो की जो यूनिवर्सिटीज़ की फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी डिफरेंट है जैसे कि अगर मैं आई की बात करूँ एन की बात करूँ आई की बात करूँ तो इनके पास गवर्नमेंट खूब रिसोर्सेज देती है इनके पास खूब सारा मतलब पैसा आता है तो इनके पास अच्छी सेटअप वेल सेटअप लाइब्रेरीज हैं वेल सेटअप लाइब्रे सॉरी आपके लैब्स हैं कंप्यूटर लैब्स हैं वेल सेट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है है ना और वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि ऐसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज़ या बहुत ही जो छोटे लेवल के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया दो से तीन कंप्यूटर ही हैं इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत डिम होगी बहुत कम होगा इंटरनेट स्पीड बहुत कम होगा तो ऐसे में एक एक डिवाइड और क्रिएट हो जाता है जिसमें कि ई कंटेंट जो यूनिवर्सिटीज़ यु, देना चाहती वही प्रॉपरली नहीं दे पाती एक और ऑथर ने यहाँ पे दिया है कि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जहां पे वैकेंट पोजीशंस हैं प्रोफेसर्स की पोजिशन वैकेंट हैं एडहॉक फैकल्टी से काम चल रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक की तरह काम करता है जब प्रॉपर प्रोफेसर ही नहीं रहेंगे प्रॉपर वो रहेगा तो इसका पूरा बर्डन कौन झेलेगा एक प्रोफेसर सारी क्लासेस तो नहीं ले पाएगा सो दैट अगेन क्रिएट्स अ हर्डल इन दैट इन द लर्निंग प्रोसेस तो यहाँ पर ऑथर ने कहा कि सारी चीज़ें आपको ठीक करनी पड़ेंगी तब एक आप अगर चाहते कि वेल सेटल्ड आपका ई प्लेटफॉर्म सेटअप हो पाए तो आपको फैकल्टी पोजिशन भी पूरी करनी पड़ेंगी भरनी पड़ेगी एंड ऑल दीज थिंग्स एंड एक और चीज़ ऑथर ने यहाँ पे प्रॉब्लम बताई है प्रॉब्लम यह कि जो लेबोरेटरी की चीज़ें हैं या प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग की जो चीज़ें हैं क्या वो ऑनलाइन एजुकेशन में आप सिखा सकते हैं तो उसका आंसर है नहीं सिखा सकते फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे बहुत सारे छोटे छोटे आपको सर्किट्स बनाने पड़ते हैं इलेक्ट्रिकल में आपको बहुत सारे सर्किट सर्किट्स बनाने पड़ते हैं फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी का कोई टेस्ट करना है आपको या ए, 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 आपको ए, एक मतलब कि शीट दे दी गई उसमें आपको अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स और इन सब के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं आपके आप मतलब कु, कुछ भी आपको करना है इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आपको करना है आ, तो आप बिना फ़िजिकल प्रेजेंस के वो चीज़ नहीं कर सकते तो ऑनलाइन का ये ड्रॉबैक बहुत बड़ा है जैसे वर्कशॉप की क्लास होती है इंजीनियरिंग में आप सबने वर्कशॉप किया होगा वर्कशॉप में चिजल का यूज़ करना है तो चिजल का यूज़ आप देख के नहीं कर सकते आप जब तक उसको यूज़ नहीं करेंगे फिजिकली आप प्रेजेंट होकर के तब तक आप उसको नहीं समझेंगे किस तरीके से चिजलिंग करनी है क्या करना है ना तो ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे सो दीज आर द थिंग्स बेसिकली जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं और आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं लेकिन अगर आप सोचें कि आप सीख गए इसको ऑनलाइन तो दैट कैन बी अ डिज़ास्टर रेसिपी है ना सो दैट इज द थिंग दिच इज इंपॉर्टेंट ऑथर ने यही सारी चीजें यहां पे हाईलाइट किया आई होप यू यूर क्लैरिटी और आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या इशूज हैं आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे सो यू कैन मूव विद मी आप मेरे साथ यहां मूव कर सकते हैं सीजीआई मेड स्टेटमेंट ऑफ लॉ एट सीबीआई अब मैं थोड़ा सा आपको सीबीआई के बारे में बताऊंगा क्या है सीबीआई सीबीआई की जो इनिशिएटिंग uh, है स्टार्टिंग है ओरिजिन है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1941 से होता है ठीक है ना इस्टैब्लिशमेंट दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट जो था वो 1941 में बना था दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट इस्टैब्लिश हुआ था 1941 में एक्ट नहीं अभी एक्ट नहीं आया है फिर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आता है 1946 का ठीक है ना 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आता है इसके अलावा एक कमेटी बनाई जाती है नाइनटीन में जिसको हम बोलते हैं संथनम कमेटी संथनम कमेटी बनी थी प्रिवेंशन ऑन करप्शन के ऊपर ठीक है ना ये दो तीन चीजें हैं जो कि कहना चाहिए कि सी का बेस बनाती हैं दीज आर द थ्री थिंग्स दैट फॉर्म द बेस ऑफ द सी एक तो नाइनटीन में डेली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का बनना नाइनटीन में डेली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का बनना जिससे कि अपनी पावर डिराइव करता है सीबीआई और आपका संथनम कमेटी जो कि नाइनटीन सिक्सटीज में बनी थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सी बी आई नॉल ठीक है ना सी बी आई लेकिन अपनी पावर डेराइव करता है डेली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट एक्ट से लेकिन स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है याद रखेगा सी बी आई अपनी पावर जरूर डेराइव दे, करता है डेली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट नाइनटीन फोर्टी सिक्स से लेकिन ये स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है याद रखेगा ना इधर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन नॉर नौ स्टेट्यूटरी बॉडी याद रखेगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्चुअली में सीबीआई का जो मेन रोल है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है और एक सेंट्रल विजिलेंस एजेंसी की तरह काम करता है ये एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नाइनटीन के मैटर्स जो है वो भी ये देखता है ठीक है ना इट वर्कस अंडर द ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस ऑफ सी बी अंतर्गत काम करता है ये काम करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत काम करता है एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन केसेज नाइनटीन एटी एट की जो सारी चीज़ें देखने का काम करता है कंपोजिशन की बात करें तो में एक डायरेक्टर होता है,

अब जो डायरेक्टर है सीबीआई का अपॉइंट कैसे होता है इसमें एक, एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें कि आपका इस कमेटी कमेटी होती है और इसकी एक पहले सर्च कम सिलेक्शन कमेटी तो सर्च कमेटी जो होती है उसमें कौन कौन होता है उसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है आपका लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है अपोजिशन का लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देन आपका उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है ठीक है ना ये सारे उसके कुछ कुछ मेम्बर्स होते हैं अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने ही ये चीज़ बोली है कि ऐसे लोगों को जो जिनका ओवरऑल पुलिस टेनियर छः महीने से कम का है ठीक है ना आपको मुझे बताना है कि सीबीआई की जो सर्च कम सेलेक्शन कमेटी होती है उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं दिस इज क्वेश्चन टू यू पहले आप उसको पूरे लिस्ट को पूरा करिएगा मैंने आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर रहता है वैसे लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का एंड देन इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है तो पूरा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का आप मुझे बताइए लेकिन इसमें जो मेन इशू है जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिक्स मंथ से कम का जिनका टाइम बचा हुआ है मतलब जो रिटायर होने में जिनको छः महीने से कम का समय है उनको ना कंसीडर किया जाए फॉर द पोस्ट ऑफ सी डायरेक्टर ये आ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है ठीक है ना याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट ने दो में ये चीज़ बोली थी ठीक है ना जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिन व्यक्तियों का छः महीने से कम बचा हुआ है उनको सी बी आई डायरेक्टर के रूप में ना अपॉइंट किया जाए तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट वेल आगे मूव करते हैं देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जिनके बारे में डिस्कस करना है तो यहाँ पर ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है ना फर्स्ट मैन टू गेट कोविड नाइन्टीन जैब डाइज ऑफ अनरिलेटेड रिलेलेटेड तो वर्ल्ड में पहला व्यक्ति जिसको कोविड नाइन्टीन वैक्सीन लगी थी जिसका नाम था जिसका नाम है बिल शेक्सपियर तो बिल शेक्सपियर आप याद रख लीजिएगा फर्स्ट मैन टू रिसीव द कोविड वैक्सीन इन द इंटायर वर्ल्ड तो ये इनकी ये भी डेथ हो गई सो फॉर फॉर सम अन नोन रीजन तो ये आपको याद रखेगा सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी आंसर्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो क्वेश्चन मैंने आज पूछे हैं उनके आंसर्स आपको बताता हूँ पहला सवाल मैंने पूछा था कि जी आई टैक्ट कहाँ कहाँ के हैं जरदालू मैंगो कतरानी राइस मगही पान तो ये हैं बिहार के ए विल बी द आंसर मालधारी कम्युनिटी बन्नी ग्रासलैंड गुजरात के हैं मालधारी बन्नी ग्रासलैंड गुजरात याद रखेगा एंड बोआधान राइस जो है वो असम डी विल बी दी आंसर फॉर दैट सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज़ आइटम्स यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स एंड प्लीज़ डू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल दैट इज़ इट फॉर द डे थैंक यू हे मे नाइज डे